हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी बैकपैक शेयर करने वाली हूँ। साथ ही मैं आपको ये भी दिखाने वाली हूँ कि मेरे बैकपैक में एक्चुअली रहता क्या है, मैं अपने साथ क्या कैरी करती हूँ। तो ये रहा मेरा बैकपैक, छोटू सा क्यूट सा बैग। इसमें सीक्वेन वर्क है। लेट्स ओपन द बैग। अब इसमें देखते हैं कि मैंने क्या क्या रखा है। इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो मैं जनरली कहीं जाती हूँ तो कैरी करती हूँ। तो जो फर्स्ट थिंग मेरे बैकपैक में रहता है वो है मेरा वॉनेट। ये मेरा वॉनेट है जो मैंने अपने लोकल मार्केट से लिया था। कुछ पैसे एंड मेरी एटीएम कार्ड वगैरह, कॉलेज के आईडी कार्ड्स वगैरह इसमें रहते हैं। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्या है मेरे बैग में जिसे मैं जनरली कैरी करती हूँ। तो ये रहा मेरा आर्ट बुक, जो अगर मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो मैं इसे कैरी करती हूँ। अगर मुझे कुछ ड्रॉ करने का मन किया, मैं अकेली हूँ तो मैं उस टाइम अपने आर्ट बुक में कुछ ना कुछ ड्रॉ करते रहती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या ड्रॉ किया है। ये रहा फ्रंट पेज, इसमें लिखा हुआ है रेडी फॉर द नेक्स्ट एडवेंचर। उसके बाद एक मंडाला आर्ट है जिसे मैंने बनाया है। फिर वाटर कलर से मैंने एक बर्ड बनाई है एंड ये रहा पांडा। एंड इसके बाद मैंने एक चाइनीज़ टेंपल बनाया था। एंड लास्ट टाइम अक्टूबर में गांधी जयंती के दिन मैंने ये गांधी जी का फ़ोटो बनाया था। तो ये रहा वो आर्ट बुक जिसे मैं अपने साथ जनरली कैरी करती हूँ। ये बहुत अच्छा क्यूट छोटू सा आर्ट बुक है। ओके, देखते हैं अब मेरे बैग में क्या है। तो ये रहा मेरा पाउच जिसमें इंस्टाग्राम की फ़ोटोग्राफ्स बनी हुई है। अब इसमें मैं अपने एयरफोन रखती हूँ जो कि मस्त है। मैं अपने साथ हर जगह अपने एयरफोन कैरी करती हूँ। एंड मेरा जो एयरफोन है वो रियलमी एयरबड है। ये बहुत अच्छा एयरफोन है। मैं अगर सजेस्ट करूँगा किसी को बजट फ्रेंडली एयरफोन लेना है तो उसे ज़रूर लेना चाहिए। ये आपको 600 के अराउंड में मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो मैं अपने साथ कैरी करती हूँ वो है परफ्यूम। तो अभी मैंने लेयर का वाटरगर्ल परफ्यूम कैरी किया है। ये जो परफ्यूम है इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। ये बहुत माइल्ड फ्रेग्रेंस वाला परफ्यूम है, इससे हेडेक वगैरह नहीं होता है। इसकी बॉटल जो है वो प्लास्टिक की है जिस वजह से इसके टूटने वगैरह की कोई टेंशन ही नहीं है। आप इसे कहीं पे भी कैरी करके जा सकते हो। ये बहुत क्यूट छोटा सा लगता है। ओके, अब देखते हैं और मैं क्या कैरी करती हूँ अपने बैग में। तो नेक्स्ट थिंग है वो है मेरा लेंस किट। ये मैं हमेशा कैरी करती हूँ क्योंकि मेरे आई साइट काफ़ी वीक है जिस वजह से मैं अपने लेंस किट को अपने साथ हमेशा ही कैरी करती हूँ। तो ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था। ये बहुत ही प्यारा छोटू सा लेंस किट है। अगर आप कहीं जाते हो तो जो लेंस की सॉल्यूशन है उसे कैरी करने के लिए आपको बड़ी बोतल की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इस छोटे से बोतल में अपने लेंस सॉल्यूशन को आराम से फिल कर दो एंड ये बिल्कुल भी लीक नहीं होती। ये बोतल बहुत अच्छी है जिस वजह से ये लेंस किट मेरे लिए तो काफ़ी यूज़फुल है। अगर आप भी वैसे पर्सन हो जो लेंस वेयर करते हो तो आपको ये लेंस किट लेना चाहिए। इसमें लेंस केस, ट्वीज़र वगैरह सारे इक्विपमेंट है जिसे आप यूज़ करके बिना हाथ लगाए अपने लेंस को लगा भी सकते हैं एंड उतार भी सकते हैं। एंड ये दिखने में भी बहुत क्यूट लगता है। तो चलिए अब देखते हैं क्या है नेक्स्ट मेरे बैग में। अगर लड़कियों का बैग हो और उसमें लिपस्टिक एंड लिप बाम ना हो तो वो बैग ऐसे भी इनकम्प्लीट रहता है। तो ये रहा वो लिप बाम जिसे मैं जनरली कैरी करती हूँ। ये है लैक्मे का लिप बाम जो कि लाइट पिंक कलर में है। ये एक टिंटेड लिप बाम है। एंड नेक्स्ट जो लिपस्टिक मैं जनरली अपने साथ कैरी करती हूँ ये न्यूड लिपस्टिक है। इसकी कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है एंड ये बहुत ही नेचुरल लुक देता है हमारे लिप्स को। इस वजह से मुझे ये लिपस्टिक बहुत ज़्यादा पसंद है।
मैं आपको इसका कलर दिखाती हूँ। इसका कलर थोड़ा ब्राउन एंड ऑरेंज दोनों के टोन में है, तो ये आपके होंठ पर बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ये एक लिप क्रेयॉन है। ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट थिंग। जो मेरे बैग में अगला चीज़ है वो है अमूल मिल्क। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे बैग में मिल्क पाउडर आपको हमेशा मिलेंगे ही, क्योंकि मुझे ये खाना बहुत पसंद है। तो जो नेक्स्ट थिंग है मेरे बैग में, अब उसे देखते हैं। सो ये रहा कॉम। कॉम तो आपको हर लड़की के बैग में मिलेंगे ही, क्योंकि बाल को सुंदर रखना किसे पसंद नहीं होता है। तो ये मेरा कॉम है जिसे मैं अपने साथ जनरली कैरी करती हूँ, एंड मेरे पास एक हैंडकरचीफ भी होती है। सो अब मेरे बैग में क्या है, ये है वाइप्स जो मेरा बैग में होती है। मुझे वाइप्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि कभी भी आप बाहर रहो और आपको अपना फेस वॉश करने का मन करे तो आप सिंपली अपने फेस को वाइप्स कर सकते हो। इससे आपको थोड़ा रिफ्रेशिंग फील होता है, एंड ये हमारे फेस में जितने भी डॉट्स वगैरह हैं उनको बहुत अच्छे से क्लीन कर देती है। तो ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड मेरे बैग में कैंडी वगैरह होती है। मुझे इमली की कैंडी बहुत पसंद है, इस वजह से मैं अपने बैग में ये कैंडी रखती हूँ, ताकि मुझे जब भी खाने का मन करे मैं खा सकूँ। तो आप भी अपने बैग में क्या कैरी करते हो, कुछ इंटरेस्टिंग आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मेरी तरह आप कौन सी चीज़ें हैं जो रखते हो और आपको वो खाने में बहुत पसंद है, एंड जनरली आपके बैग में वो मिलेंगे ही। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।